नाते आका की सुनाओ तो बड़ा अच्छा हो। नाते आका की सुनाओ तो बड़ा बस में सरकार में आओ तो बड़ा अच्छा हो। बस में सरकार में आओ तो बड़ा अच्छा हो। नाते सरकार आने वाले हैं शहे कौन मका आज किरा। आने वाले हैं शहे कौन मका आज किरा। अपना घर पारे सजाओ तो बड़ा अच्छा हो। अपना घर पारे सजाओ तो बड़ा अच्छा हो। नाते आका की सुनाओ तो अच्छा लगेगा। आने वाले हैं शहे कौन मका जिकिरा। अपना घर पारे सजाओ तो बड़ा अपना घर अपना घर पारे सजाओ तो बड़ा। नाते सरकार सुनाओ तो बड़ा अच्छा हो। आप सरकार बुलाते हैं मदीना को। आप सरकार बुलाते
मदीना सबको मुझको एक पहाड़ रे भूला तो बड़ा। सारे लोग बोले मुझको एक पहाड़ रे भूला तो बड़ा। कितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं हाथ उठाकर बताइए। सारे लोग जाना चाहते हैं ना, सारे लोग साथ मिलकर पढ़े। आप सरकार, आप सरकार रे बुलाते हैं मदीना सबको मुझको हमको एक पहाड़ सबको एक पहाड़ रे बुलाओ तो बड़ा। सबको एक पहाड़ रे बुलाओ तो बड़ा। नाते आका की सुनाओ जिंदाबाद। उनकी आमद ने किया है ये सुहाना मौसम। उनकी आमद, उनकी आमद ने किया है सरकार रे सुनाओ तो बड़ा। हक है जिंदाबाद माशाल्लाह। शान सरकार रे सुनाओ तो बड़ा। तुम तो मुर्दों, इसमें दो शेर हुजूर ताजुशरिया का जुड़ गया है। मुलायजा फरमाया था, तुम तो मुर्दों को जिलाते हो मेरे आका, मेरे दिल को भी जिलाओ तो बड़ा अच्छा हो, मेरे दिल को चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूबे मगर अपनी उल्फत में रुलाओ तो बड़ा अच्छा हो, अपनी उल्फत अख्तर को फिराओ मेरे मौला दर दर। यूं ना अख्तर को फिराओ मेरे मौला दर दर, अपनी चौखट पे बिठाओ तो बड़ा अच्छा हो, अपनी चौखट बोले अपनी चौखट पे बिठाओ
कमीला दे मना तो बड़ा अच्छा। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, करामत रिकॉर्डिंग सेंटर से रابطہ करें। नए दिन नए रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। नए दिन नए रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। नगर दिश में सदियों जमाना रहेगा, सदा तो ना किसी का सिक्का चलेगा। हमेशा ना किसी का जनाजा उठेगा, ना खुशियों की बारात बाकी रहेगी। बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। ये दुनिया का मेला तो है चार दिन का, ये सारा झमेला तो है चार दिन का। ये दौलत का रेला तो है चार दिन का, ये दौलत का रेला तो है चार दिन का। न गर्मी न बरसात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। फूल फूल खिला सकता है कोई, मौसम बदल सकता है क्या? फूल खिला सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या? वो चलाना छोड़ देते, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या? रब को तो रब की, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या? रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या? इब्तिदा है नूरानी, इम्तिहान है नूरानी, इब्तिदा है नूरानी, इम्तिहान है नूरानी। मेरे आका की हर अदा है नूरानी, इब्तिदा है नूरानी, इम्तिहान है नूरानी। मेरे आका की हर अदा है नूरानी। मुस्तफ़ा की आमद से, मुस्तफ़ा की आमद से जर्रा जर्रा दुनिया का हो गया है नूरानी, जर्रा जर्रा दुनिया का हो गया है नूरानी। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। इन्नी फी बहर हम्मी मग़रक़ुन, खुद यदी सहिल लना इश्क़ालना। मोहतरम सामईन किराम, अकीदत व मोहब्बत के साथ आप महफिल के इस रहमत व नूर के सामियाने के तले बैठे हुए हैं, और बहुत तेज़ी के साथ वक्त की सुई, घड़ी की सुई आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हज़राते गिरामी, आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, और गाहे बघाए लोशराए किराम भी तशरीफ ला रहे हैं। आप भी तशरीफ ला चुके हैं, सारे लोग तशरीफ ला चुके हैं। जलसे का आगाज़ हो चुका है, बस ज़रूरत है हमें अपने ख्याल को पेश करने की, ज़रूरत है हमें अपने जहन को हाजिर करने की, ज़रूरत है अपने माथे की निगाहों को पाकिज़ा आईने में तब्दील करने की, ज़रूरत है अपने दिल को हाजिर रखने की। क्योंकि ये महफिल उस ज़ात के नाम से मंसूब है जिसके ज़ात के सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, ज़मीनों आसमान के सारे बनाए, जिसे हम मोहब्बत की ज़बान में हम महबूब दावर कहते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं, ताहा वो यासीन कहते हैं, फ़करे दो आलम कहते हैं, जाने आलम कहते हैं, जाने जन्नत कहते हैं, जिन्हें हम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब आज का जलसा है। आज हमें इस पाकीज़ा महफिल में बैठकर अपने आप को बदलने को, अपने फिक्र को बदलने की, हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने फिक्र को बदलना है, हमें अपने ख्यालात को बदलना है। क्योंकि आज जो जलसा होगा, ये जलसा बेमकसद जलसा नहीं है, ये जलसा कोई
कोई बेमकसद जलसा नहीं है, बेसबब जलसा नहीं है। ये जलसा एक मकसद के तहत है। आपने पोस्टरों के जरिए, बैनरों के जरिए, अपने अपने सोशल मीडिया, मोबाइल के जरिए, हर चीज के जरिए आपने अपने माथे की निगाहों से पोस्टर को मुलाहिजा किया होगा और देखा होगा जश्न ईद मिलादुल नबी व तहफ्फुज़े अकायदे अहले सुन्नत। इस महफिल का मकसद है कि अहले सुन्नत के अकायद को तहफ्फुज़ के महफूज किया जाए। हजरात गिरामी, अहले सुन्नत के अकायद को आपको जानना पड़ेगा, वरना एक तरफ से वहाबी, एक तरफ से सुलह कुल्ली, एक तरफ से देवबंदी, एक तरफ से राफजी, एक तरफ से कादियानी, एक तरफ से दुश्मनाने इस्लाम इस्लाम पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तर के इस्लाम के हर मंसूबे पर अपनी साजिश रच रहे हैं, तो हमें इस साजिश को तोड़नी होगी। कब तोड़ेंगे? जब हम इस महफिल में बैठकर अपने उलमा के बयानात को अपने दिल के किताब में, अपने दिल की कापी में एक एक हर्फ को नोट करेंगे, तब हम अपने अकायद को, अपने अकायद की हिफाजत करेंगे, अपने अकीदे की हिफाजत करेंगे, अपने बुजुर्गों के बताए हुए अकवाल की हिफाजत करेंगे। हमारे अकायद जब महफूज रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, और जब हम जिंदा रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जिंदा रहेगी, हमारे आने वाले बच्चे जिंदा रहेंगे, हमारे आने वाले खानदान के फर्द जिंदा रहेंगे। अगर हमें अपने अकीदों को बताना है तो आला हजरत की बारगाह में बैठकर, दोजानु अदब बैठकर वहां से एक पैगाम ले और ये अकीदा लेकर वहां से उठे कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो अस्म तेरे तो वस्म ऐबे तन्हाई से है बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, अरे राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रसा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। माहौल बहुत अच्छा हो चुका है, माहौल बहुत पुरसाज हो चुका है, माहौल पुरमग्ज हो चुका है। बस एक मर्तबा अपने जिंदा होने का सबूत दे, अपने जिंदा दिली का सबूत दे, और यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारे लोग, मैं नहीं ये कहूंगा कि आप हाथ उठाए, मैं ये कहूंगा आप हुजूर की महफिल में आए गए, मदीने वाले आका गुंबदे खजरा के साए से आपको मुलाहिजा फरमा रहे गए, आप अपने आका को मदीने से समाद करने और उनके उनके चश्मे नबूवत में अपने आप को कैद करने और अकीदत व मोहब्बत के साथ सारे लोग एक मर्तबा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। आप देखेंगे कुछ लम्हे के बाद इस पाकीज़ा महफिल में जाने अंजुमन बनकर, शाने अंजुमन बनकर, जाने महफिल बनकर बरेली मसौली की सरजमीन से फैजाने मसौली को लेकर, फैजाने मसौली को लेकर, फैजाने आला हजरत को लेकर, पैगामाते आला हजरत को लेकर एक अजीम साथ जिसे हम और आप हुजूर गुलजारे मिल्लत कहते हैं वो तशरीफ लाने वाले हैं। मैं जान रहा हूँ आपकी निगाहें बेताब है, आपके चश्मे, आपकी चश्मे दिल बेताब है, मैं जान रहा हूँ आप उनके दिल को देखने के लिए बेकरार है, हम भी बेकरार है, उलमा की निगाहें भी बेकरार है, मगर आप अपने दिल की निगाहों को पाकीजा कर ले, अपने दिल की निगाहों को इन उलमा की ज्यारत से, अपने दिल की निगाहों, अपने माथे की निगाहों से पाकीजा कर ले, तब आपको हुजूर का इजूर, हुजूर गुलजारे मिल्लत का चेहरा पुरनूर नजर आएगा, हुजूर गुलजारे मिल्लत का चेहरा नूरानी नजर आएगा, और इसके मोहब्बत में कहते हुए नजर आएंगे क्या क्या लाल है अली के, क्या फातिमा का शहजादा है, क्या फातिमा का दुलारा है, क्या गौसे आजम की बारगाह, क्या गौसे आजम का दुलारा है। हजरात गिरामी, आप देखेंगे बहुत जल्दी हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब जिसकी खिताबत को सुनकर ऐवाने नजदियत में जलजला बरपा हो जाता है, जिसे हम मोहब्बत की जबान से मनाजरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब के नाम से जानते गए, वो भी बहुत जल्द मिंबर शरीफ की पाकीजा रहल पर नूरानी किताब की शक्ल में जलवा अफरोज होंगे। आप जिस शख्सियत के लिए इंतजार कर रहे गए, मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, झूम उठी है दिल की हसरत आज आने वाले हैं, झूम उठी है दिल की हसरत आज आने वाले गए, हम दीवानों की राहत आज आने वाले गए,
सब्र का दामन पकड़ लो, कर लो थोड़ा इंतजार, सब्र का दामन पकड़ लो, थोड़ा कर लो इंतजार, सैयदी गुलजारे मिल्लत आज आने वाले गए, सैयदी गुलजारे मिल्लत आज आने वाले हैं। हजराती गिरामी, बहुत तेजी के साथ अपने सफर को करते हुए, अपने सफर को, अपनी निजामत के सफर को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। आइए, मैं चाहता हूँ इस पाकीज़ा माहौल में, इस पुरनूर माहौल में एक जानदार शानदार खिताब हो जाए और उस खिताब को सुनकर अपने आप को, अपनी फिक्र को, अपने ख्यालात को बदलने की कोशिश करे। हजराती गिरामी, बस एक शेर पढ़ता हूँ, जरा सा अपने होने का सबूत पेश करे और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो पीछे वाले हजरात क्यों बैठे हैं भाई? पीछे वाले हजरात आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप देखते गए हिंदुस्तान के माहौलात, माहौल कैसे है, कुर्सी पर बैठने वाले क्या क्या बोलते गए, मगर नबी की बस में बैठने वाला, नबी की बस में बैठने वाला अगर बोलेगा तो या रसूल अल्लाह बोलेगा, बोलेगा तो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेगा, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, जहाँ से मैंने अपनी निजामत को रोका था वहीं से मैं अपनी निजामत को आगाज करता हूँ। हुजूर कायदे मिल्लत सन 2021 में महमूदपुर की सरजमीन पर आए थे, उसके बाद मेरी निजामत इख्तिताम की तरफ चली गई थी, मगर हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुरसलीन साहब के हुक्म पर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हजरत, एक शेर पढ़ता हूँ कि ख्याले तैबा दिल को बेकरार करता है, ख्याले तैबा दिल को बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है। माशाल्लाह, हक है। ऐसे नई जिंदगी के साथ सुने तो अच्छा लगेगा। ख्याले तैबा दिल को बेकरार करता है, आप ना बोले ये लोग सारे लोग चले जाए, ना बोले कुरान की उस आयत को याद करे, वरा फाना लका दिक्रत, जब तक कुरान पढ़ा जाएगा महबूब का जिक्र होता रहेगा। ख्याले तैबा दिल को बेकरार करता है। कुरैन भाई, आप बहुत अच्छे नकीब हैं, आप बहुत अच्छी निजामत करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं आपके आगे एक एक छोटी हैसियत रखता हूँ, मगर आप इस शेर की हिफाजत कर लें और इन लोगों को अपने अपने होने का सबूत पेश करें। हज़रत मिंबर शरीफ पर हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला भी तशरीफ रखते गए, हजरत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब भी तशरीफ रखते गए। इन बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए, इन उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए मैं चार मिसरे पेश करके आपके दरमियान से रुखसत होता जाता हूँ कि ख्याले तैबा दिल को बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है, कोई करे ना करे जिक्रे शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। वाह वाह, हक है, जिंदाबाद। ना करे, होना तो चाहिए था कि एक नारा लग जाता मजलिस से, कोई है जो नारा लगा दे। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। ख्याले तैबा दिल को बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है, कोई करे ना करे जिक्रे शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। आइए, खिताबत के लिए खतीबे अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मौलाना गुलाम मुरसलीन मरकजी साहब क़िबला की बारगाह तक चला जाए और उनकी बारगाह में दावत मोहब्बत पेश किया जाए और हजरत की खिताबत आप सुनने के लिए तैयार हो जाए। जरा जिंदगी के साथ मेरा पहला नारा है, इतनी जोर से आपका नारा, इतनी जोर से आप नारा लगाए कि आपकी ये आवाज उठे और जो सहाबा के दुश्मन है, नबी के दुश्मन है, बुजुर्गाने दुश्मन, बुजुर्गाने दीन के दुश्मन है, हुजूर गुलजारे मिल्लत के हासिदीन है, उनका कलेजा फट जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।